रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आज का जो टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट डेस्क। सबसे पहले यूनिट सेटिंग करनी है आपको, तो जेड एंटर ए एंटर दो मॉल करना है। यूनिट करने के बाद अब इसके अंदर इमेज को लाने के लिए आपको आईएम कमांड लगानी पड़ेगी। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर अटैच इमेज पर ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इस इमेज जो आ रही है ना उसको सेलेक्ट करके इसके अंदर इंसर्ट करना। वो इमेज किस फॉर्मेट में है, अगर वो आपको इसके अंदर नहीं ला रहे हो ना, तो या तो मतलब वो अलग फॉर्मेट में होगी तो वो नहीं आ रही। इमेज फॉर्मेट होना चाहिए या तो जेपीजी या फिर पीएनजी। अटैच इमेज वेरीफाइड, इसको ओपन किया, ओके किया, यहाँ पर इंसर्ट पॉइंट दिया और एंटर कर, ये आपकी इमेज इसके अंदर इंसर्ट हो जाए। अब आपको इस इमेज की स्केल करना पड़ेगा। स्केलिंग के लिए आपको देखो थोड़ा बहुत अगर इमेज है तो फिर आप स्केल कर सकते हो। कहीं पर कभी क्या होता है आपको बनानी पड़ती, तो उसके लिए आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं। मैं यहां से वहां उधर की साइड एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अब मैं इस इमेज को स्केल करूंगा। स्केल करने के लिए एच सी कमांड होती है, वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइन खींचिए इफेक्ट ऑन करके। मैं इस टेबल को ऐसे मान लेता हूँ 3 फिट। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपको अलाइन करना, अगर वो आता तो अलाइन कर लीजिए, नहीं तो आप स्केल करेंगे। एस सी कमांड लगाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। बेस पॉइंट आप कहीं पर भी दे सकते हो, फिर आपको आर एंटर करना है रेफरेंस के लिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ रखा, सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ रखा। अब मेरे को हाइट पता नहीं, मैं पॉइंट्स पे जाता हूँ, फर्स्ट पॉइंट यहाँ रखा और सेकेंड पॉइंट ले लेता हूँ सीधा यहाँ, वो इमेज स्केल होगी। अब आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा इमेज की ब्राइटनेस कम कर रहा हूं, उसके लिए कमांड होती है IAD, इमेज एडजस्ट, सेलेक्ट इमेज, यहाँ से फेड कम कर देंगे, ओके करेंगे। अब मेरे को डायमेंशन करनी है तो DAL कमांड से डायमेंशन करूंगा, जिसको बोलते हैं डायमेंशन अलाइन। अब आपको 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया, सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ देता हूँ, पर एफेक्ट ऑफ होना चाहिए, समथिंग समथिंग 10 फीट का गैप हाइट मेरे को लेव मिल गया, मतलब ये पीछे वाला सेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ऐसे इसने अभी 9 इंच दिख रहा है ना, तो अभी मैं इसको लूंगा 18 इंच, ज्यादा भी ले सकता हूँ। REC रेक्टेंगल कमांड लगानी है, फर्स्ट पॉइंट देना है। आप देखो शिफ्ट एट द रेट का भी यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे डायमेंशन लेता हूँ। मैंने ऐसे लेंथ ले ली 3 फीट, 36 इंच ले रहा हूँ, और इसकी विड्थ जो ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ नॉर्मली 18 इंच ले रहा हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि या तो आप इसका फ्रंट व्यू बना लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही रहता है। हाइट जो मैं अगर मैं तो ये तो टॉप बनाया, या फिर आप फ्रंट भी बनाएंगे, शिफ्ट एट द रेट लगा करके भी कर सकते हैं। की प्रेस किया, ऐसे 3 फीट रखा, हाइट ले रहा हूं मैं, मैं 9 इंच ले रहा हूं। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट्स करने, पहले तो मैं इसको ऑफसेट दे देता हूँ 1 इंच का, फिर मैं इसके अंदर डिवाइड कमांड लगाता हूँ, एक्सप्लोड किया, DIV डिवाइड कमांड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और 3 पार्ट्स कर देता हूँ। फिर पी टाइप में गया, पॉइंट लेता हूँ यहाँ से,
यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी मैंने, इस लाइन का ऑफसेट लेता हूं 0.5 का, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट वापस किया, एम आई किया और इसको मिरर कर दिया। बट ये मेरे को इमेज मैंने रिसाइज किया ना, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को इसकी वेट कम लग रही है, लेंथ कम लग रही है। तो क्या करेंगे कि हम इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच के लिए एस एंटर यहाँ से ऐसा क्रॉस सिलेक्शन बनाएंगे, फिर इसको स्ट्रेच करेंगे। मैं इस इमेज जो अभी मैंने कर रखी थी 3 फिट, अब मैं इसको 4 फिट करूंगा तो 6 इंच इधर बढ़ा दूंगा, 6 इंच इधर बढ़ा दूंगा। वापस सेम सिलेक्शन करना, इधर से ही 6 इंच इधर बढ़ा दिया, डिलीट करिए, डिवाइड कमांड वापस लगा दीजिए, सेलेक्ट इसको करें, 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया, ऑफसेट लगा रहा हूं 0.5 का इधर, डिलीट, एम आई, पॉइंट को डिलीट कर दीजिए, पॉइंट सब मेरे को नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो ये रहता है, सेकंड आपने बता दूंगा अभी, या तो फिर आप ये फ्रंट एलिवेशन बना के करो, इसको जैसे ज्वाइन करो, नहीं तो ये बनाए आप दोनों ऑप्शन से कर लेंगे, डेस्क व्यू एस डब्ल्यू एंड टैब सेट पहले लगा दो, आपको पता चल जाएगा। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ई एच टी एक्सक्लूड करता हूँ, हाइट ले रहा हूं मैं इसकी 9 इंचेज, प्रेस पुल किया, इधर मैंने 6 इंच बढ़ा दिया, उधर भी 6 इंच बढ़ा सकते हो, या फिर एक साइड से पूरा बढ़ा लो 12 6 इंच, मतलब 12 इंच बढ़ा लो पूरा ही। अब कमांड लगानी है सॉलिड एडिट, यहाँ पे जाना बॉडी, बॉडी में सेल लेना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को करा, फिर इस फेस को करा, एंटर करा और 1 इंच का गेप दे दिया साइडों में, सीधा ही आपकी डेस्क बन गई। डेस्क फिर नहीं नहीं तो फिर इसमें करोगे ना, तो इसको पहले एक्सट्रूड करना पड़ेगा, ई एक्स टी एक्सट्रूड, अमाउंट वही होगा, कितना एक्सट्रूडेशन करना आपको, 18 इंच करना है तो 18 इंच एक्सट्रूड कर दो, 18 तो कम लग रहा है, ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा करूंगा क्योंकि लेंथ बढ़ा दी ना मैंने तो विड्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं इसको कर रहा हूँ 2 फीट। अब मैं ये जो रेक्टेंगल अंदर क्रिएट करे ना आपने, तीनों इनको भी सेलेक्ट कर लीजिए, इनको जो एक्सट्रूड करोगे, मैं इसको करूंगा 23 इंच, एस यू बी सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट एंटर, फिर इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट मैं सबको ही कर रहा हूं, पहले इसको करा एंटर, फिर पूरे को ही कर लिए, एक बार शिफ्ट के साथ बाहर वाले को अनसेलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, ये चीज भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पर अब 0.8 करने पड़ेंगे, ऐसे हमको बनानी पड़ेगी वापस नीचे, नहीं तो इससे सीधा ही काम हो गया आपका, ये भी कर सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे उससे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आपको इसके अंदर वाला बनाना है, तो फिर आप व्यू में जाइए, अब कौन सा व्यू आएगा, टॉप व्यू आएगा ये, तो प्लान लिख दीजिए, एडिट भी करेंगे तो बाद में कर देंगे जरूर पड़ता। अब मैं आर ई सी रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ यहां से यहां तक, और इसके सेंटर में एक सर्कल बना लेता हूँ 1 रेडियस का, डेस व्यू सेट लगा दिया मैंने। अब ये जो यहाँ पर है मेरे पॉलीलाइन जो है ना, इसको मैं एक्सट्रूड करूंगा, ज्यादा थिकनेस नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 1 इंच थिकनेस इसकी, फिर इस सर्कल को भी एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, वही सेम प्रोसेस होगा, सब्ट्रैक्ट कमांड लगानी पड़ेगी, इसमें से ये खाली हो जाएगा। फिर आप थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को जो अभी बनाया है ना, इसको आप
0.125 बार निकालेंगे, क्योंकि ये उभरा हुआ दिखेगा। अब इसको मिरर करना है तो प्लान में जाके करें। MI लगा दें, हो गया, सेट कर दिया। इन ऑब्जेक्ट्स का कलर मैं चेंज कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को 3DR करूंगा। 3DR कमांड लगा दी, यहां से इस ऑब्जेक्ट को लिया और 90 डिग्री एंगल डाल दीजिए। अब इसके लेग बनाने के प्लान में जाएंगे। टूटी कर दिया। ये लेग देखिए कि ऊपर तो रेक्टेंगुलर शेप है, पर नीचे से देखो यहां पर स्मूथ ऐसे हो रहा है। ये बन जरूर जाएगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। रेक्टेंगल ले रहा हूँ, बाकी वाले जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना उसको मैं सिमिलर सेलेक्ट कमांड से सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब इसको मैं हाइट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। एक जो रेक्टेंगल रखना है, फिर आपको ऑफसेट कमांड लगानी है, कम से कम 3 इंच का ऑफसेट लूंगा। अब आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, डी प्रेस कर देंगे, लेंथ रख देता हूं मैं 4 इंच, विड्थ दे देता हूं 2 इंच, सेलेक्ट किया, आरो रोटेट कर रहा हूं 45 डिग्री, सेलेक्ट, एम एंटर, यहां से उठाकर इसको यहां प्लेस कर, इसको मिरर कर दो। हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि अब मैंने ये तो मेरे हाइट होगी यहां से यहाँ 9 इंच, और 1 इंच का ये हो जाएगा 10 इंच। ओवरऑल हाइट होती है वो 30 इंच ही होती है, डेस्क की 2.5 फीट मानते हैं, तो 10 इंच कम हो गया, 20 इंच का आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। फिर आपको टेस्ट व्यू SW एंटर, अनहाइड कर देते हैं एक बार। अब मैं ये जो ऑब्जेक्ट मैंने 2D वाले बना रखे हैं ना, इन सबको आप एक्सट्रूड करें, EXT एक्सट्रूड, एक्सट्रूड ही करना है ना, तो और कमांड लगती है। आप एक एक्सट्रूड करके भी मिरर कर सकते हैं, 1 इंच का एक्सट्रूडेशन करूंगा, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को आप 3DR करें। हाइट ले रहा हूं मैं इसकी, सॉरी एंगल डाल रहा हूं 90 इंच। अब आपको यहां पर कुछ इस तरीके का शेप चाहिए ना, ऊपर से तो बराबर रहेगा, ऊपर तो अब REC रेक्टेंगल क्रिएट कर दीजिए, डी प्रेस कर देते हैं। मैं इसको कर रहा हूं ऐसे, लेंथ दे रहा हूं 2 इंच, विड्थ दे रहा हूं 1 इंच, ये हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को तो आप कॉपी कर लीजिए, यहां लगा रहा हूं, एक मैं यहां लगाऊंगा, बट इसमें से इसको एक्सप्लोड करूंगा, ऑफसेट दे दूंगा, कम से कम नीचे ज्यादा ज्यादा ये आपका है ना आधा इंच कम हो जाएगा, मतलब 2 इंच का है तो कम से कम 1 इंच का रह जाएगा, या फिर 0.75 का कर देता हूं मैं। एक आपने कमांड पढ़ी थी उसका नाम था लॉक, LOFT, लॉक कमांड लगाएंगे, बट ये ड्रॉइंग नहीं ना। ये हो गया, ठीक है। एक तो ये चीज कर सकते थे,
नहीं तो फिर मैं यहां पर एस डब्ल्यू स्वीप लगाऊं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करूं, एंटर करूं, यहाँ पे स्केलिंग आ रहा है। मेरा ऑब्जेक्ट जाते जाते आधा हो जाना चाहिए, 0.5 कर देता हूँ लास्ट तक। उल्टा हो गया, सेम ही चीज बनेगी पर उल्टा हो जाएगा, चीज होगी वो बन रही है। ये स्वीप से हो रहा है, वो लॉब से हो रहा था इसको। तो अब इसको 3DR कर दीजिए, मतलब उल्टा मुझे करना पड़ेगा थोड़ा। हो गया, अब आप प्लान में जाइए, 2D कर दीजिए, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर ले जाइए सीधा ही। मैं एंटर कर रहा हूँ, मैं ये वाला ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करा था, अब इसको 3DR नहीं रोटेट करता हूँ, 45 डिग्री करना, और करना। सेलेक्ट एम एंटर, यहां से उठा करके मैं इसके मिड पॉइंट पे रखना है, डैश व्यू एस डब्ल्यू एंटर, सेट लगा दो, इन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। एक को ही कर रहा हूं मैं सीधा, एक ही ऑब्जेक्ट 3D बना रखी है, इसको नीचे 10 दिन दे दो। इस ऑब्जेक्ट को उठाओ, एम एंटर करो, यहां से मिड पॉइंट से उठाया मैंने और इसके मिड पे लगाना है। कुछ प्रॉपर मिड पकड़ोगे ना अपना हो जाएगा। हो गया, इसको आप UNI कर दो। अब 2D के हटा, 2D हटाना है ना, तो QSC में जाओ, क्विक सेलेक्ट, रास्टर इमेज हटानी मेरे को चाहिए नहीं, वैसे काम हो गया मेरा। लाइन हटानी है तो लाइन भी ले लीजिए, डिलीट कर देते हैं। पॉलीलाइन हटानी है उसको भी डिलीट कर देते हैं। सर्कल हटाने हैं तो उनको भी डिलीट, वी एस एंटर टू है। अब इसको यूनियन कर रखा है तो आप मिरर करें, डैश व्यू एस डब्ल्यू एंटर, हो जाएगा। अगर आप उसको तिरछा करना चाहते हो तो इस लाइन थोड़ी तिरछी रखनी पड़े, लॉक कमांड में सीधे उनसे करो। ये लाइन मैंने जो स्ट्रेट ली थी, आप एफ एट बंद करोगे तो थोड़ी सी टिल्ड रखोगे ना तो इसे तिरछा बन जाएगा इस टाइम, देख। तो ये करना,